सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हमने होली के बारे में पढ़ लिया, अब हम आज कविता पढ़ेंगे बड़े चंद। पेज नंबर 88। ये हमारी कविता है। इस कविता में हम, ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस कविता से हमें संदेश क्या मिलेगा? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते, ये संदेश इस कविता से मिलेगा। क्या संदेश मिलेगा इस कविता से? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं, ये संदेश ये कविता हमें देगी। अब हम पढ़ेंगे इस कविता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये कविता है वीर, जो हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, उनके लिए कि वीर, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है। वीर को कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं है तुम्हें। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा हमारे देश का झंडा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वज को झुकने नहीं देना है, हमारा जो देश का सम्मान है, गौरव है, उसको झुकने नहीं देना है। और जो दल आगे बढ़ रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, पहाड़, जब सामने पहाड़ आता है तो हम सोच नहीं पाते कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। मीन्स सामने कोई भी मुसीबत हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने शेर आ जाए तो एकदम से डर जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, अब क्या करें, है ना। सिंह शेर की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, निडर रहना है तुमको, हटना नहीं। चाहे शेर आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, इनका मतलब है कोई भी समस्या आए, कोई भी मुसीबत आए, तुम्हें डट कर उसका सामना करना है। तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर बन के वहीं डटे रहो, वहीं उसका सामना करो, वहां से तुम्हें हटना नहीं है, भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़प उठे। तो मेघ जब बरसते हैं, बारिश जब आती है, तो हम छिपके हमारे घर में आ जाते हैं कि हम बारिश में भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना, गीले हो जाएंगे। तो वीरों को क्या है, मेघ गरजते रहेंगे, बरसते रहेंगे, और बिजलियां कड़कती रहेंगी, तड़कती रहेंगी, पर तुम्हें डरना नहीं है, वहां से हटना नहीं है, पीछा वहां से पीठ दिखाकर भागना नहीं है, मैदान में डटे रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बड़ी मजेदार कविता है और वीरता की भाव को ये प्रकट करती है, वीर रस की कविता है, कि बच्चों में किस तरीके से वीरता के भाव को बढ़ाया जाए, हमारे देश के सम्मान को, गौरव की रक्षा करने के लिए। बड़ी मजेदार कविता है। तो पहाड़ का यहाँ पे मतलब है पर्वत, जो माउंटेन्स आ जाते हैं। वीर जो बहादुर है, है ना, ब्रेव है। दल समूह, जो ग्रुप ऑफ, जो जब ये लड़ने के लिए जाते तो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर। निडर मतलब साहसी, ब्रेव जो है, करेजियस जो है। ध्वजा जो हमारा फ्लैग, झंडा। मेघ बादल, दहाड़ना, गरजना। धीर मतलब धैर्य रखने वाला, जो किसी भी समस्या में घबराता नहीं है, सामने कोई भी समस्या आ जाए धीर रहो, धीरज धरो, धैर्य रखो और घबराए बिना मैदान में डटे रहो। चाहे सिंह दहाड़े, चाहे बिजलियां कड़के, चाहे मेघ गरजे, चाहे सामने पर्वत आ जाए, पर आपको निडर बन के वही डटे रहना है। तो बड़ी मजेदार कविता है, आपको पढ़नी है कविता, फिर से पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,
हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। किसकी कविता है बच्चों? ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है, उन्होंने लिखी है ये। और क्या संदेश दे रही है कविता हमें? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं, डरते नहीं है वो, निडरता है ना। तो डरपोक का जो विलोम शब्द यहाँ पे होगा निडर, तो निडरता से वीर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को भी यही संदेश कविता के माध्यम से दिया जा रहा है कि चाहे सामने पर्वत आए, पहाड़ आए, या सिंह शेर आ जाए, वो दहाड़े सामने आकर, फिर भी तुम्हें हटना नहीं है, वही मैदान में डटे रहना है। चाहे मेघ गरजे, बरसे, बिजलियां कड़के, आंधी तूफान आए, फिर भी तुम्हें डरना नहीं है। तो कविता को पढ़ना है आज आपको, आज आपको यही काम है, कविता को पढ़िए, दो तीन बार रीड कीजिए इसको, आपको लर्न हो जानी चाहिए, बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है बच्चों, फिर हम शब्दार्थ और इसके कविता की पंक्तियाँ पूरी कर लो, जो भी इसके प्रश्नोत्तर या अभ्यास प्रश्न होंगे हम लोग उसको करेंगे।